प्रभास की कल्की 28988 को रिलीज हुए 26 दिन हो चुके हैं, मगर इसकी कमाई लगातार जारी है। एक महीने से पहले ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। सिर्फ इसके हिंदी वर्जन की कमाई जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। कमाल की बात तो ये है कि इस फिल्म की यू सक्सेस के बाद प्रभास ने कमाई के मामले में शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। बाहुबली 2 की सक्सेस के बाद प्रभास के करियर में कुछ ऐसी फिल्में जुड़ी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर पिछले साल के अंत में आई सलार, इसने खूब कमाई की। फिर इस साल कल की 28988 आई और इसने तो तहलका मचा दिया। पिक्चर 1000 करोड़ पार चली गई है। अब फिल्मों की कमाई की बात जान लीजिए तो आपको बता देते हैं कि कोरोना काल के बाद प्रभास दूसरे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बने। कोरोना काल के बाद प्रभास की राधे श्याम आई, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए कमाए। फिर आदि पुरुष आई, इसने 289 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर आई सलार, इसने 406 करोड़ रुपए कमाए। अब कल की 28988 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 621.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर प्रभास की फिल्मों ने पोस्ट कोरोना काल में 1422.95 करोड़ रुपए कमाए हैं। इन आंकड़ों के साथ प्रभास ने शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख की कोरोना काल के बाद 3 फिल्में आईं। तीनों फिल्म में ही पिछले साल रिलीज हुई हैं, पठान, जवान और डंकी, जिन्होंने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 543.2 करोड़ रुपए, 640.4 करोड़ रुपए और 232 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, यानी कुल 1415.65 करोड़ रुपए। इसी आंकड़ों को पीछे छोड़कर प्रभास हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है दीपिका पादुकोण, जो कोरोना काल के बाद से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस हैं। उन्होंने पोस्ट कोविड पीरियड में 103.102 करोड़ रुपए, पठान 543.2 करोड़ रुपए, फाइटर 215 करोड़ रुपए और कल की 28988 621.95 करोड़ रुपए वाली फिल्में दी हैं। इसी के साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर की लिस्ट में सबसे आगे चल रही है दीपिका पादुकोण। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।